स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया गया था। इस प्लांट में कचरे के जरिए बिजली पैदा करने का उद्देश्य था, पर करोड़ों रुपए का यह प्लांट भ्रष्टाचार के चलते बदहाल हो गया। आलम यह है कि अब वेस्ट टू एनर्जी का यह प्लांट बिकने की कगार पर आ गया है। लिहाजा नगरीय निकाय मंत्री जयवर्धन सिंह के साथ ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह और सामाजिक न्याय मंत्री लखन गंगोरिया सहित कलेक्टर और निगम के अधिकारियों ने प्लांट में पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह ने माना है कि वेस्ट टू पावर एनर्जी के इस प्लांट में कई खामियां हैं, जिसे कि चिन्हित कर उसे ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वेस्ट टू एनर्जी में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए आज प्रशासन और नगरीय निकाय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्लांट को लेकर जो भी कमियां आ रही हैं उनको दूर किया जाए। खासतौर पर कचरा उठाने और उसके परिवहन में बड़ी खामियां आई हैं, जिसे जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। गौरतलब है कि जबलपुर में कचरा संग्रहण कर उससे बिजली बनाने के लिए नगर निगम ने करोड़ रुपए के प्लांट में खर्च किए हैं। ये प्लांट अब बिकने की कगार पर है। जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम है और जिस तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए उसमें कुछ कमियां हैं, और जितना ये शहर में देखने में आ रहा है कि कई जगहों पर कचरा डला हुआ है और वो उठ नहीं पा रहा है। इसके लिए आज मंत्री जी ने और ने समीक्षा की और हमने भी इसमें सख्त निर्देश दिए कि ये आइडेंटिफिकेशन हो, सारी चीज कंपनी के ऊपर छोड़ दी जाए और कंपनी की जो कमियाँ हैं उनकी भी जांच विस्तार से होनी चाहिए। इस प्रकार से ऐसी खामियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं और आने वाले महीने से ये खामियां उत्पन्न ना हों, इसके लिए नगर निगम को पूरा प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं कि शहर का कचरा पूरा उठना चाहिए और उसमें नगर निगम का क्या कार्य रहेगा और कंपनी का क्या कार्य रहेगा, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। दूसरा, जो स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है जिसमें ओमती नाला और मोती नाला दोनों के चौड़े नालों को सकड़ा करके और जो पानी की बहाव को भी रोक दिया गया और साथ साथ ही पानी का वहाँ पे जो आउटफ्लो था वो भी कई जगहों पर बाधित हुआ है, उसमें जो काम नगर निगम ने किया है उसकी समीक्षा हुई और एक पूर्व व्यवस्थित DPR तैयार की है कि किस प्रकार से ये पानी का व्यवस्थित आउटफ्लो हो जाए और जहाँ जहाँ पर ये कमियाँ दिखी हैं कि जहाँ पे काम कमजोर हुआ है, कई जगह रस्तों पर भी जहाँ नाला गुजर रहा है वहाँ पे छत में सिंकिंग आई है, तार खुल गए हैं या वहाँ पे बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो उसकी विस्तार से जांच के लिए भी मंत्री जी ने निर्देश दिए।